चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे, तो आप लोगों को बता दें हम लोग अभी तक 900 क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं। 901 से आगे हम लोगों को बात करनी है। तो याद रखिए, जितने भी लेक्चर बने हुए हैं अभी तक, वो सभी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे। वो अपनी है जनरल साइंस के नाम से प्ले लिस्ट में सूची बनी हुई है, उसी में सभी लेक्चर पड़े हुए हैं, याद रखिए। आगे बात करते हैं। ऊंट का ककूद ऊतक से बना है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है, तो याद रखना वसामय। ठीक, डी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, PAH के उपापचयी मध्यवर्ती होते हैं, अत्यंत कैंसरजनी, विरूपक जनिक, जनित और उत्परिवर्तनी। ठीक, बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। साधारण जुखाम पैदा किया जाता है, तो याद रखना वायरस द्वारा। चौथा क्वेश्चन, अवस्थम मूल पाए जाते हैं, तो याद रखना मक्का में। अवस्थम मूल मक्का में पाए जाते हैं। स्टलेट जूट, यह जड़ तना के नोडर नोड से निकलता है तथा पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। मक्का, गन्ना, बहुत। बात करते हैं 905वां क्वेश्चन, विटामिन डी अनिवार्य है, तो याद रखना है मजबूत तथा स्वास्थ्य स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। छठवा क्वेश्चन, संचार के कौन से युग में प्रया पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो याद रखना अंतर्द्रव्यी, जालिका और कोशिका कला। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। ठीक, ए ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समजात अंग है, तो याद रखना घोड़े और आदमी का अग्रपाद। ठीक, बात करते हैं नौ आठवां क्वेश्चन, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है, तो याद रखना किलोरेला। ठीक, किलोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री यान के हौज में भोजन और ऑक्सीजन के लिए किलोरेला को अपने साथ ले जाते हैं। नौवा क्वेश्चन, फाइलेरिया पैदा किया जाता है, तो याद रखना वोचे रेरिया बैंकु फिटाई द्वारा। नौ दसवां क्वेश्चन, कसोरिकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विषाक्त विशेषता नहीं है, तो याद रखना मेट हीमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, मेट हीमोग्लोबिनीमिया मीमा कशेरुकियों से सीसा विषाक्तता की विशेषता नहीं है। तंत्रिकीय दोष, बिक की निष्क्रियता, अरक्तता, सीसा की विषाक्तता के कारण होता है। 11 क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है, तो याद रखना शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। 12 क्वेश्चन, उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं, तो याद रखना इसे कहते हैं शक शक फली। ठीक है, बात 13, कॉकरोच के लावा को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे कहते हैं निप। 14, यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है, बढ़ता है, ये ऑप्शन सही है। पंद्रह, निम्नलिखित प्राणियों में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो याद रखना झींगा में। 16, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में रहते समय रक्त में धक्का नहीं जम पाता, तो याद रखना यकृतिन। 917 क्वेश्चन, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है, तो याद रखना
प्रेसव डिलीवरी। ठीक। 918 थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो याद रखिए अवटु ग्रंथि से। 19 बिना एंजाइम वाला पाचक रस से, तो याद रखना पित्त, बाइल जूस। 920 बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है, तो याद रखना जल। बीज के अंकुरण के लिए जल को की आवश्यकता होती है। बीजों का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को बीजों का अंकुरण कहते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए जल, ताप, वायु से तीनों का होना आवश्यक है। मिट्टी एवं सूर्य की विकास बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। बात करते हैं कि इस पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं, तो याद रखना शैलोद्भिद। 22 क्वेश्चन, अगला है 22 क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें दम भी घुटता है तथा यह एक विषैली गैस है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। 23 क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश शुभग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है, तो याद रखना प्रणहरित, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश शुभग्राही कारक लाइट एक्सेप्टर के रूप में प्रणहरित क्लोरोफिल काम करता है। क्लोरोफिल पर प्रकाश पड़ता है जब जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है एवं ATP का निर्माण होता है। 24 स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है, तो याद रखना कीट। 25 सर्वाधिक रुधिर प्रदाता है, तो याद रखना सार्वत्रिक रुधिर प्रदाता है, तो याद रखना ओ बी ऑप्शन सही। यूनिवर्सल डोनर रुधिर ओ है, ग्रुप ओ, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। ठीक। बात करते हैं 26वां क्वेश्चन। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है मध्यपट के कारण। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं मध्य कपाट के कारण, चमगादड़ पक्षी से भिन्न होता है। सभी स्तनधारियों में डायफ्राम मध्य कपाट पाया जाता है। पक्षी भरे स्तनधारियों में हार्ट फोर चैम्बर चार खाने का होता है। बात करते हैं 27 जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। इसमें डी ऑप्शन होगा सही। वन उत्पादों पर प्रयोग एवं विकास, कृषि उत्पाद उत्पादों पर प्रयोग एवं विकास, वन भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, जीव मंडल सुरक्षित सेवा का उद्देश्य है। 28 प्रकाश संश्लेषण होता है, तो याद रखना पादपों के हरे भाग में। 29 प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है, याद रखना लकड़ी का जलना। 30 क्वेश्चन नंबर। जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है, PCB। 31 क्वेश्चन। जैव मात्रा का पैरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है, याद रखना तालाब में। तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में पैरामिड उल्टा होता है। घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का पैरामिड सीधा होता है। 32 क्वेश्चन। ट्यूब के भीतर ट्यूब विकार का शारीरिक पिलान पाया जाता है, जोंक में। ठीक है, लीच में। 33 क्वेश्चन। किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है कहलाता है, कलम। 34 डॉल्फिन है, तो याद रखना स्तनपाई। ठीक है, डॉल्फिन।
फिन स्तनपाई है। 35 जिन जंतुओं की सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है? याद रखना आंत जीवी एंटेरोजुआ जोआ, ठीक है। 36 छत्रक है तो याद रखना कवक फंगस। 37 निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी है? बाह्यस्रावी ग्रंथि भी तो याद रखना अग्नाशय। 38 निम्न में से किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है? तो याद रखना अपोहन डायलिसिस। अपोहन डायलिसिस का संबंध वृक्क किडनी से है। गतिफेरक का संबंध हार्ट से है। जब व्यक्ति की शारीरिक क्रियाएं बंद होने लगती हैं तब उसे वेंटिलेटर जीवन रक्षक के अंत में रखा जाता है। 39 क्वेश्चन आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? तो याद रखना ऊर्जा प्राप्त करना। निम्न में से कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? तो याद रखना उपयुक्त सभी। पर्यावरण प्रदूषण, महासागर का भी अम्लीकरण, जलवायु परिवर्तन। डी ऑप्शन है 940 क्वेश्चन का, ठीक है। 41 है जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा होती है? उपयुक्त सभी। वायुमंडल CO2 का बढ़ता हुआ स्तर, वैश्विक तापमान, प्रदूषण स्तर में वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण वायुमंडलीय CO2 का बढ़ता हुआ स्तर, वैश्विक तापमान, प्रदूषण स्तर में वृद्धि की समस्या पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है 42। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखना कान, ठीक। बात करते हैं 43। सामान्यतः निषेचन होता है तो याद रखना डिम वाहिनी नली में, ठीक, फिलोपियन ट्यूब में। 44 भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग त्रया मरते हैं सिरोसिस से, ठीक है। डी ऑप्शन सही है इसमें। 45 चारण आहार श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं तो याद रखना उत्पादक। 46 विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है तो याद रखना गाजर में। फलों के मीठे स्वाद का कारण है तो याद रखना फ्रुक्टोज। 48 यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। भोजन, विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भोजन एवं ऑक्सीजन के बगैर मर जाएंगे। 49 जीवाणु की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है तो याद रखना वृद्धि मापी। 50 निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो याद रखना मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। 51 क्वेश्चन स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं तो याद रखना यकृत लीवर। 51 किडनी में यूरिया क्षमता है, ठीक। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है तो याद रखना जल हायासिंथ पुष्प। 53 प्रयोग और अपयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो याद रखना लेमार्क। 54 यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित हो जाती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो 64। 55 मेघ गरजना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। बात करते हैं 56 क्वेश्चन सरल गलकंड घेंगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है तो याद रखना थायराइड ग्रंथि। 57 क्वेश्चन हरित ग्रंथि ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो आपको याद रखना उत्सर्जन
58 किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसों रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो याद रखना, विस्तरण और शक्य परिवहन। बात करते हैं 59, हृदय वंचित है, हृदय वंचित है, तो याद रखना ऐच्छिक पेशी से। 60, निम्न में से कौन सा कफकी रोग है? याद रखना दाद, दाद खाज खुजली। 61, छोटी माता पैदा की जाती, तो याद रखना ये होती है वेरियोला विषाणु द्वारा, ने छोटी माता या चिकन पॉक्स बोलते हैं। 62, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ताल पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकों एवं उपभोक्ता पर आधारित होती है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादक एवं उपभोक्ता पर आधारित होता है। 963वां क्वेश्चन है, अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो याद रखना फूल से। 64, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है? तो याद रखने निमोनिया, अस्थमा, क्षय रोग, दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस ये होती है। ठीक, बात करते हैं 65, जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो याद रखना दृढ़ पटल। 66, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है, तो याद रखना ईल मछली। 67, ईलियम किसका भाग है? तो याद रखना छोटी आंत का। 68, पत्तियों के छिद्र क्या कहलाते हैं जिसमें जिनसे समय समय पर दिव्य जल का रिसाव होता है? हाइड्रोथोर, पत्तियों पर एक छिद्र होता है जिसे हाइड्रोथोर कहते हैं, जिसमें समय समय पर द्रव का रिसाव होता है। पत्तियों पर जल की बूंदें जमा हो जाती हैं तब इस क्रिया को गोटेशन कहते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के निम्न सतह पर पाई जाने वाली रंध्र के द्वारा होता है। स्टोमाटा सामान्यतः दिन से खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। 69, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तेलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो याद रखना पिति ऑक्सी कारक, सी ऑप्शन सही है। 70, खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? तो याद रखना उपयुक्त सभी, समुद्री पारितंत्र, समुद्रीय पारितंत्र, वन पारितंत्र, सरोवर पारितंत्र, तीनों में। 71, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? याद रखना ऑक्सीजन, डी ऑप्शन सही है। 72, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो याद रखना ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। 77, मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, तो याद रखना डी एंड ए फिंगर पेंटिंग के लिए। 74, लंबे समय कसरत की का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो याद रखना वसा, फैट। 75, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो याद रखना विटामिन बी, फैट फैट में सूटेबल है, फैट में घुलनशील है, ए डी ई के वाटर में, बी और सी, ठीक है, पानी में बी सी घुलनशील है विटामिन और बसा में ए डी ई के। आगे 76, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो याद रखना मकड़ी को कीट नहीं है समझा जाता। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो याद रखना स्टार फिश मछली के श्रेणी में नहीं आती है। 78, कपास का प्रमुख घटक है? तो याद रखना सेल्यूलोज। 79, रेशम तंतु, रोम, पिच, नख और नखर
निर्मित होते हैं, तो याद रखना कैरेटिन से। 80 मैड काउ रोग का कारक है जीवाणु। 81 वनस्पति इनकी अवशोषण में प्रभावी होती है, याद रखना विदूषक गैसें। वनस्पति विदूषक गैसें एवं उच्च आवृत्ति के ध्वनि के अवशोषक होते हैं। इन्हीं कारणों के कारण पौधों के सड़क, रेलवे लाइन, हवाई अड्डे के आसपास लगाया जाता है पौधों को। 82 जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, आंसुकारी ग्रंथि के कारण। 83 पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका होती है, याद रखना मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। 84 पके हुए टमाटर का लाल रंग किस इसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखना कैरोटीनॉइड की उपस्थिति के कारण, जिसे लाइकोपीन भी बोला जाता है। ठीक। 85 इनमें पीति स्कंदक नहीं होते, तो याद रखना वर्म है। ठीक। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखना डी ऑप्शन सही है, 206। ठीक। तंबाकू में निहित है, तो याद रखना निकोटीन। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, अफीम में मार्फिन पाया जाता है। ठीक। आगे बात करते हैं, फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है, तो याद रखना पिस्टल से, पिस्टल। ठीक। बात करते हैं 89 क्वेश्चन, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, गिल्स। ठीक है। 90 क्वेश्चन, स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है, तो याद रखना बक्कल कोटरन में। 91 मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। 92 वर्ल्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना N5N1 वर्ल्ड फ्लू वायरस के रूप में भी जाना जाता है। 93 बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां इससे संबंधित हैं, याद रखना भेड़ पालन। सी ऑप्शन सही है, भेड़ पालन के अंतर्गत बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई करना इत्यादि गतिविधियां संबंधित हैं। 94 नीला हरा शैवाल इस समूह में सम्मिलित किया जाता है, गया है, याद रखना साइनोबैक्टीरियाई नील जीवाणु में। 95 कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहते हैं, तो याद रखना रोबोटिक्स। 96 डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया, तो याद रखना वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक। 97 डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो याद रखना प्लेटलेट्स की। 98 क्वेश्चन, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैसिन। कैरोटीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है, याद रखना। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं 999 क्वेश्चन की। ठीक है। प्लेग जीवाणु, एड्स से विषाणु से, गंजापन कवक और मलेरिया पोटोजुआ से। ठीक है। डी ऑप्शन सही है इसमें, प्लेग जीवाणु, एड्स विषाणु, गंजापन कवक, मलेरिया पोटोजुआ से। 1000वां क्वेश्चन, MRI निम्नलिखित में से क्या है, तो याद रखना मैग्नेटिक रेजोनेंस
इमेजिंग, सी ऑप्शन सही है 1000 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1000 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं अभी तक। अब बात करेंगे 1001 से आगे बात करेंगे। ठीक है।